बुधवार को शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर सीटू ने केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। सीटू का आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्यों की भाजपा सरकारें मात्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती हैं। देश के किसान व मजदूरों से इनका कोई सरोकार नहीं है। बुधवार को देश भर में करीब 1,00,000 जगहों पर सीटू ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किए। शिमला में भी उपायुक्त कार्यालय के बाहर सीटू कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर गरजे। सीटू का आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्यों की भाजपा सरकारें किसान व मजदूर विरोधी काम कर रही है और मात्र पूंजीपतियों को फायदा पहुँचाना इन सरकारों का मुख्य उद्देश्य है। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि केंद्र सरकार के मजदूर व किसान विरोधी निर्णयों के खिलाफ आगामी 7 और 8 जनवरी को देश भर में चक्का जाम व जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। 24 से 31 जनवरी तक देश भर में जत्थे चलाए जाएंगे। वहीं आगामी विधानसभा बजट सत्र के दौरान हजारों मजदूर एक साथ विधानसभा की ओर कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि देश के मजदूर और किसान मिलकर केंद्र की तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि केंद्र सरकार गलत फहमी में है कि वो किसान आंदोलन को दबाने में कामयाब हो जाएगी। उन्होंने बिहार में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ हुई मारपीट व लाठीचार्ज की भी कड़े शब्दों में निंदा की। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जनता को राहत देने की बजाय जनता को परेशानियां दे रही है और 4 श्रम संहिता लागू कर व किसान विधेयक पारित कर किसानों और मजदूरों को कटोरा थमाने की योजना बना रही है। पूरे देश के अंदर आज 1,00,000 कार्यस्थलों पर सीटू के द्वारा इस तरीके के धरने प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। वास्तव में इस देश के अंदर जो वर्तमान हुकूमत है, सरकार है, वो जिस तरीके से मजदूरों और किसानों के खिलाफ काम कर रही है उसके खिलाफ ये आंदोलन है। और आज पूरे देश के अंदर जिस तरीके से 1,00,000 कार्यस्थलों पर ये प्रदर्शन हो रहे हैं, आने वाले 7-8 जनवरी को पूरे देश में चक्का जाम और जेल भरो आंदोलन होगा। उसके बाद जो है 24 से 31 जनवरी तक पूरे देश के अंदर जो जत्थे चलाए जाएंगे और हिमाचल के अंदर जो बजट सत्र होगा आने वाला विधानसभा का, उसमें हजारों मजदूर जो है विधानसभा की ओर कूच करेंगे। आने वाले समय में और भी बड़े आंदोलन होंगे। ये इसलिए हो रहा है कि अगर सरकार गलतफहमी में जी रही है कि वो किसानों के आंदोलन को दबा देगी, जैसा कल बिहार के अंदर किया गया, लाठीचार्ज किया गया, शांतिपूर्वक तरीके से जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे उनको जो है घायल किया गया, बरबर उनके दमन हुआ, तो सरकार ये गलतफहमी छोड़ दे। एक तरफ किसान लड़ेंगे, दूसरी तरफ मजदूर लड़ेंगे। एक मोर्चा किसान खोलेगा, दूसरा मोर्चा मजदूर खोलेगा और दोनों मिलकर और पूरे मेहनत कश आवाम को इकट्ठा लेकर जो व्यापक एकता बनाकर इस सरकार को पीछे धकेलेंगे। जो 3 काले कानून किसानों के खिलाफ इस सरकार ने लाए हैं, जो 4 काले श्रम संहिताएँ जो मजदूरों के खिलाफ इस सरकार ने लाई हैं, जो इस देश के अंदर जो करोड़ों करोड़ों जो स्कीम वर्कर्स हैं, जिसमें आंगनवाड़ी, मिड डे मील और आशा वर्कर्स हैं, उनके लिए आज उनको पक्का नहीं किया जाता है, उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती है। और इसके साथ साथ जो हमारे देश के अंदर कोरोना में जो लोग प्रभावित हुए, 15 करोड़ लोगों का रोजगार गया, 1,24 सरकार ने नहीं दी, 7,500 रुपया देने का सवाल है, चाहे 10 किलो राशन देने का सवाल है, और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, ठेका मजदूरों के लिए नीति बनाने का सवाल है। आज पक्के किस्म के रोजगार को ख़त्म करके जो है फिक्स टर्म रोजगार में तब्दील किया जा रहा है। कुल मिलाकर पूरे के पूरे कानून मजदूरों के भी और किसानों के भी पूंजीपतियों के हवाले कर दिए हैं, उनकी मुनाफाखोरी को बढ़ाने के लिए सरकार ने, उसके खिलाफ ये लड़ाई चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।